नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका लर्न मैजिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है स्वर्णिम पाठक और आज आपके लिए फिर से ताश के पत्तों का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक लेके आया हूँ और उसका ट्यूटोरियल भी आपको दूंगा। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो ताश के पत्तों के इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा उनको प्रैक्टिस हो जाती है कि वो पत्तों को बड़ी आसानी से गड्डी में कंट्रोल कर लेते हैं। वो कोई भी पत्ता ऊपर ले आते हैं, कोई भी पत्ता बाहर निकाल लेते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी ताश के पत्तों में से कोई भी पत्ता बाहर निकाल सकते हैं, उसका जादू आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पहले परफॉर्मेंस में चलते हैं और उसके बाद आपको इसका ट्यूटोरियल देंगे। तो दोस्तों आपको दिखाऊं कि मेरे पास जो है एक रैंडम डेक ऑफ कार्ड है, सारे के सारे जो पत्ते हैं इसके बिल्कुल अलग अलग हैं और इस डेक को जो है हम कितनी भी बार शफल कर सकते हैं और शफल करने के बाद हम चाहें तो इसको रिफल शफल भी कर सकते हैं। और रिफिल शफल करने के बाद इसको स्पेक्टेटर के हाथ में देखकर के वो भी इसको कितना शफल कर सकता है। अभी मेरे पास कोई स्पेक्टेटर नहीं है तो मैं ही उनके बिहाफ में जो है शफल कर देता हूँ, इसको कितना भी शफल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शफलिंग के बाद मैं अपने स्पेक्टेटर से एक पत्ता जो है यहाँ से बाहर निकालने को बोलूँगा। अब मान लीजिए मेरे स्पेक्टेटर जो हैं वो इस पत्ते को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये पत्ता आप देख लीजिए, मैं इस पत्ते को नहीं देखूँगा। ओके, और इस पत्ते को हम वापस इस डेक के बीच में कहीं पर डाल देंगे। ठीक है, ये पत्ता हमने बीच में डाल दिया। देख लीजिए ये पत्ता ऊपर नहीं है ना ही ये पत्ता नीचे है, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ ऊपर या नीचे। ठीक है दोस्तों, ये पत्ता बीच में कहीं जा चुका है, अब हम इसको शफल भी कर लेते हैं। और शफल करने के बाद हम इसको रिफल शफल भी कर सकते हैं। और रिफल शफल करने के बाद इसको कितना भी शफल कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस के हाथ में दे सकते हैं, वो भी इसको शफल कर सकते हैं। कितना भी शफल कर दीजिए, कितना भी कट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही ये जो डेक है ये मुझे दी जाएगी, मैं इसको एक बार शफल करूँगा और शफल करने के बाद मैं अपनी ऑडियंस से बोलूँगा कि आपका जो पत्ता है वो मैं बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल दूँगा, देखना चाहेंगे। तो ये देखिए, ये पत्ता आपका चूज़ करा हुआ डेक के ऊपर आ चुका है और बाकी सारे के सारे पत्ते जो हैं वो डेक के रैंडम हैं। तो दोस्तों मैं ये जादू इसलिए कर पाया क्योंकि मैं बड़ी ही आसानी से इन गड्डी को, इन पत्तों को कंट्रोल कर सकता हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा, चलिए अब क्या, और तो मैंने एक पत्ते पे किया, अब हम चार पत्तों में जादू करके दिखाएंगे। और चार पत्ते कौन से हैं, चार इक्के। आपने कई बार देखा होगा जादूगर चार इक्के जो हैं वो बाहर निकाल देते हैं डेक के बीच से, तो वही जादू हम भी आपको करके दिखाएंगे। पहले देखिए चारों के चारों जो इक्के हैं इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इन चारों के चारों इक्कों को अब हम इस डेक के बीच में अलग अलग जगह डाल देंगे। देखिए अलग अलग जगह में डाल रहा हूँ उनको, आप देख लीजिए कि जो चारों के चारों इक्के हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं, एक जगह पे नहीं है। इसको हम डेक के अंदर डाल देते हैं। अंदर डालने के बाद फिर से मैं अपनी ऑडियंस को डेक दे सकता हूँ, वो कितना भी इसको शफल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो कंट्रोल है इस डेक पे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि देखिए मैं जब चाहूँ मेरी ऑडियंस के चारों पत्ते बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ और डेक में कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, ऑडियंस चाहे तो इसे चेक कर सकती है। दोस्तों मैंने आपको एक पत्ता कंट्रोल करके दिखाया, चार पत्ते कंट्रोल करके दिखाए, लेकिन अब मैं आपको सारे के सारे 52 के 52 जो पत्ते हैं उनको कंट्रोल करके दिखाऊंगा। कैसे, देखिए ये सारे जो लाल पत्ते हैं उनको मैंने इस साइड लगा दिया है और सारे जो काले पत्ते हैं इस डेक के उनको मैंने इस साइड लगा दिया है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम इन लाल पत्तों को इन काले पत्तों के साथ अच्छी तरीके से रिफल करके मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये मैंने रिफल करके इनको मिक्स कर दिया है। मैं आपको दिखा दूं, सारे के सारे पत्ते देखिए आपस में मिक्स हो चुके हैं, कुछ लाल हैं, कुछ काले हैं, रैंडम सीक्वेंस में। लेकिन
मेरा इस डेक पे इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है दोस्तों, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है कि मैं इसको बस कुछ शफल्स दूंगा और इन कुछ शफल्स में ही मैं जो हूँ बड़ी ही आसानी से सारे के सारे जो पत्ते हैं उनको एक दूसरे से सेग्रीगेट कर दूंगा। कैसे? कुछ इस तरीके से कि सारे के सारे लाल पत्ते एक साथ और सारे के सारे काले पत्ते एक साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये मैजिक पावरफुल लगा। अगर ये पावरफुल लगा तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों उसके बगल में एक बेल आइकन भी बना हुआ आता है, उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको ये जादू कैसे किया जाता है। इस जादू के लिए इस्तेमाल होता है एक स्पेशल डेक का। फिर से ये डेक को आप घर में भी तैयार कर सकते हैं या मार्केट से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इस डेक का नाम है स्ट्रिपर डेक और ये अमेज़न में ही मिल जाएगी आपको, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसको घर में भी कैसे बना सकते हैं, लेकिन घर में जो है थोड़ी उतनी नीट नहीं बनेगी, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल डेक है दोस्तों, वैसे सारे 52 के 52 पत्ते इसके अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इन पत्तों में कोई सेटिंग है। इसमें हमने किया क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। इसमें हमने इस डेक को एक साइड से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ट्राइंगल शेप में इसको घिस दिया है। तो उस घिसने की वजह से क्या हुआ है दोस्तों, नॉर्मली आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं कोई एक पत्ता निकाल करके, देखिए कोई एक पत्ता निकाल करके, इसको निकाल करके अगर मैं इसको उल्टा करके यहाँ डाल दूँ तो ये देखिए मुझे उस पत्ते का एज बाहर से ही फील हो जाएगा और मैं बड़ी ही आसानी से उस पत्ते को खींच के बाहर निकाल सकता हूँ। ये इस डेक का सीक्रेट है दोस्तों कि जो भी ऑडियंस का सिलेक्टेड पत्ता होता है, मान लीजिए ये सिलेक्टेड है ईट का एक का, ये जब वापस जाता है तो इसको इस तरीके से डाला जाता है कि इसका देखिए एज दिखता है, ये अलग से हाथ में आ जाता है और फिर शफलिंग करके आप इसको ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। ये सीक्रेट है दोस्तों। अब परफॉर्मेंस कैसे होती है ऑडियंस को दिखाइए, रैंडम डेक ऑफ कार्ड है, उनसे बोलिए शफल कीजिए, वो शफल भी करेंगे। आप फिरकी भी लगा सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि जो इनका फेस है वो सेम रहे। तो अगर आप फिरकी लगा रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से खोलिए कि इनके फेस जो हैं बिल्कुल सेम रहें, फिर इसको मिक्स कीजिए और इससे क्या है देखिए सारे एज अभी सेम ही रहेंगे, बस फेस का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। उसके बाद आपकी ऑडियंस को ये पत्ता सेलेक्ट करेगी, मान लीजिए वो ये पत्ता सेलेक्ट करते हैं चिड़ी का दुग्गा। अब जब तक वो उसे देख रहे हैं, उन्होंने ऐसे उठाया, वो ऐसे देख रहे हैं, तब तक आपको क्या करना है, आपको इस डेक को ऐसे पलट देना है, बस इतना सा आपको करना है। फिर वो वापस इसको इस ऐसे वापस डालेंगे, लेकिन ये वापस डालने में क्या होगा, आपको इस पत्ते का एज देखिए ये दिख जाएगा, जिससे आप इसे फिर से बाहर निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे मैंने एक पत्ते के लिए किया, आप चार पत्तों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे चार इक्के मैंने आपको दिखाए थे, देखिए ये चार इक्के हैं, इनको बाहर निकाला लेकिन इनको जो वापस डाला तो इनको डेक को हमने पलट दिया। तो डेक पलटने से क्या हुआ कि ये इक्का यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। जब मैंने इनको स्क्वायर अप किया तो देखिए ये चार पत्ते मुझे यहाँ पर देखिए अलग से दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो मैं इनको बड़ी ही आसानी से बाहर खींच सकता हूँ, ठीक है। तो इस स्ट्रिपर डेक का सीक्रेट है दोस्तों। इसी तरीके से मैंने जो 26 पत्ते करे उसमें 26 पत्तों का मुंह ऐसा रखा, 26 का उल्टा रखा, शफलिंग करा तो फिर से वो छटके अलग अलग हो गए। तो यही सीक्रेट है कि आपको इस डेक को एक साइड से थोड़ा सा इसे स्लैंट में घिसवाना है, ठीक है। जैसे ये पत्ता है तो अगर आप इसको हल्का सा 1 mm से स्टार्ट करें और 2 mm तक स्लैंट में इसको कटवा दें तो उससे आपकी स्ट्रिपर डेक बन जाएगी। पूरी डेक आपको कटवानी होगी बराबरी से, तो आप इसको कहीं जाके घिसवा भी सकते हैं या आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं।